ये 26 जनवरी जो ग्राम ठीठगांव के अंदर जो अभी मसला अपने सामने आया है, अपने मीडिया के माध्यम से हमने देखा है, उसमें ये हो रहा है कि जो 25 जनवरी की रात में मतलब किसी शरारती तत्व ने भगवान राम के नाम पे मतलब कोई गंदगी लगा दी थी और भगवा झंडा था उसका अपमान करते उसको काट दिया, जला दिया, इस तरह से उन्होंने बात करी गई थी। यहाँ थाने में इकट्ठे हुए थे हमने, जब मुस्लिम समाज या ठीठगांव के पूरे लोग हमारे साथ आए, इन्होंने जब बात रखी कि भाई हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने भगवान राम के नाम पर कुछ गंदगी लगाया या भगवा झंडा का अपमान किया, आप निष्पक्ष जांच करें। अभी मुस्लिम समाज के जाता है बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसको, इसके अंदर निष्पक्षता से मुस्लिम समाज पूरा खड़ा है इसके अंदर, क्योंकि मुस्लिम समाज कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करता है, वो अपना भी अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसमें पुलिस पूरी तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया गया है, कुछ नफरती चिंटू वहाँ गाँव में पहुंच जाते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देख रहे हैं, उनको घर जलाने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, मतलब ये गलत बात है। मुस्लिम समाज देखो जब तक हम सब्र करते हैं तब तक सब्र कर रहे हम लोग, लेकिन हम भी फिर हमारा प्रशासन हमारे साथ में, प्रशासन को साथ में लेके चल रहे, प्रशासन से अभी एसपी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे, किसी निर्दोष को हम कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी को उठा के जबरन नहीं लेके जाएंगे। दोनों पक्ष थे, हमने कुछ लोगों के नाम भी दिए इसके अंदर, कुछ लोग इसमें राजनीति करते हैं इसके अंदर, अभी इन्हीं की जुबानी गाँव वालों की, गाँव में एक जिसने क्या नाम है इसका अनित जायसवाल करके, इसने मतलब सरबन का चुनाव लड़ा था, एक मुस्लिम समाज ने उसका साथ दे दिया, उसके साथ में मतलब एक दूसरा हिंदू समाज का जो सरपंच खड़ा था उसको साथ दे दिया, वो भी हार गया, ये भी हार गया, तीसरे गांव का आदमी जीत गया। तब से मतलब ये अनित जायसवाल गए जो ये मुसलमानों पे मतलब बहुत दुश्मनी रखता है गांव के लोगों पे, और हिंदू संगठन के लोगों को बुला लेता है, उसके गांव का मतलब माहौल खराब करता है, उस दिन भी माहौल खराब कर दिया, जाके मुसलमानों को मतलब टारगेट कर रहे हैं, मतलब इनको उनका मकान तोड़ो, उनके साथ किया जाए, बुलडोजर चलाए, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल। नहीं ओरली आपके पास वीडियो है? वीडियो तो नहीं है, बाकी ओरली बोल रहे कि इन्होंने अपने कानों से सुना इस बात को कहा गया वहां पर, इनका हमारा वीडियो आता, मैं भी एसपी साहब को इसका वीडियो देते, हम चाहते हैं हमारे शहर में हमारे देश में हमारे गांव में अमन अमान कायम रहे, मुस्लिम समाज हमेशा शांति व्यवस्था बनाने में आगे आया, ये हमारा इतिहास रहा है, मतलब हमने कभी न्यूसेंस पैदा नहीं किया, हम शांति बना के चलते, इसलिए हम आगाह करते हैं कि ऐसी कोई हरकत ना किया जाए, मुस्लिम समाज हमेशा सब्र करता रहेगा, प्रशासन हमारे साथ में, हम चाहते हैं हमारे आपसी सद्भाव बना रहे, गाँव के अंदर ऐसी कोई बात पैदा नहीं है, हम तो चाहते प्रशासन से कि वहाँ पे एक कमेटी गठित किया जाए जिसमें सद्भावना कमेटी बने, एक जमात किया जाए, वहाँ के हिंदू समाज मुस्लिम समाज के लोगों को बिठाया जाए, वो सबको गले मिलाया जाए, इस तरह की बात पैदा ना हो। भाई छोटा सा गांव है, मतलब 60 घर मुसलमानों के और 200 घर हिंदू समाज के, भाई आपस में लोग आज आए एक दो दिन से नहीं रहते, इन लोगों को 80-90 साल हो गए, इन लोगों रहते रहते आज 90 साल हो गए आप लोग को, और अब ये झेर का मतलब जो बीज बोया जा रहा है, ये बीज को निकाल के फेंको, हम आपस में हिंदू मुस्लिम सब एक बन के रहे हम, अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं मोहम्मद शब्बीर कादरी हजरत खानचरी वार्ड क्रमांक 36 से पार्षद हूँ। आज हम लोग ठीठगांव के अंदर एक घटना हुई थी, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को, यानी 25 जनवरी की रात में एक घटना हुई और पूरा माहौल ये बना दिया गया कि किसी व्यक्ति ने किसी धर्म के झंडे का अपमान किया और उसके साथ ही ऐसा दबाव बनाया गया कि शहर का माहौल और उस गांव का माहौल खराब हो, उसी को लेके आज हम लोग माननीय एसपी महोदय से मुलाकात की है, गांव के तमाम लोग हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों ने एसपी सर से बात करी है कि कोई भी ऐसा मुस्लिम समाज का व्यक्ति वो ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकता है, लिहाजा जो शरारती तत्व है उनपे उनके खिलाफ हम लोगों ने बात रखी है और हम चाहते हैं कि जांच हो और जिसने भी किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपमान किया है किसी धर्म के झंडे का या परचम का, तो हम भी चाहते हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इसी को लेके आज हम लोग आए हैं। लेकिन एक आप लोगों के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि त्यौहार तो सब हो जाते हैं और त्यौहार से पहले एक जो उत्साह का माहौल होता है होना भी चाहिए, हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्म के लोग इस शहर में रहते हैं, जब स्टार्ट होता है कोई भी त्यौहार तो वहाँ पर झंडे बड़ी शान और शौकत से लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो झंडे शुरू में तो बड़े स्ट्रेट रहते हैं, फिर धीरे धीरे झुकते हैं, फिर किसी की गाड़ी के अंदर फंसता है झंडा, फिर कहीं से कोई लड़ जो है वो निकल के गिर जाती है। तो माननीय एसपी महोदय साहब से हमने ये भी निवेदन किया है कि अब चूंकि तमाम त्यौहार हो चुके हैं
और त्योहार के बाद जो है सभी धर्म के लोग जिन्होंने अपने झंडों को सार्वजनिक स्थलों पर लगाया है और सरकारी पोलों पर लगाया है, उनसे मोहतबाना गुजारिश करते हैं हम लोग कि वो अपने अपने झंडों को जिस शान और शौकत से उन्होंने लगाए थे तो वो निकाल लें, ताकि कोई घटना ऐसी हमारे शहर में न घटित हो कि जिससे फिर ऐसा कोई माहौल पैदा हो। तो आपके माध्यम से मेरी उन तमाम शहरवासियों से गुजारिश है कि भाई जिस शान और शौकत से उन्होंने अपने झंडे लगाए थे वो निकाल लें, त्यौहार हो चुके हैं।